गाइस देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 2.5 का थर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो देखिए, मैं पहला कर रहा हूँ, लिखा हुआ है 9x² प्लस 6xy प्लस y². तो देखिए ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पहले हम ये देख लें। लिखा हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह ये लिखा हुआ है। तो ये दरअसल a प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंडेशन फॉर्म है, ठीक है। a प्लस बी स्क्वायर को जो आप इसे ओपन करोगे तो यही निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एकदम सेम ए स्क्वायर की जरा लेकिन लिखा हुआ है 9x², तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो 9 को हम 3 ले सकते हैं और x को x ले सकते हैं, तो 3x² दरअसल ये आपका 9x² बन गया। फिर आता है 2ab, तो हम लिखेंगे 2, हमारा 3x क्या हो गया, a हो गया। तो 2 into a क्या है, 3x, और b क्या है, y है, ठीक है। फिर क्या है, प्लस बी स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो 3x है दरअसल ये a है, ठीक है, और आपका वाई क्या है, बी है। ये आपका 2 है, मैंने 3x को लिख दिया ए के फॉर्म में, तो आपका 3x क्या है, कंप्लीट a है, और आपका वाई क्या है, वो बी है। तो ये मैं अब बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ कि आपने किस तरीके से एज्यूम किया है इसको, ठीक। 3x है तो 3x का स्क्वायर 9x² होता है, तो आपका क्या बन गया, 3x प्लस वाई का स्क्वायर बन गया, क्योंकि होता क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो ए की जगह 3x है और बी की जगह वाई है, तो 3x प्लस वाई का स्क्वायर बन गया। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ये लिखना है 9x² प्लस 6y प्लस y², ये 3x प्लस वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंडेशन फॉर्म है। जिस तरह ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एग्जैक्टली 3x प्लस वाई का ओपन करोगे तो आपको मिलेगा 9x² प्लस 6y प्लस y². मैंने ये जो आपको ए 2ab सब लिख के बताया है, ये बस किसके लिए है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। तो फर्स्ट हो गया, अब आइए हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब ये भी अगर आप देखें तो ये भी वही लिखा हुआ है, a का स्क्वायर, बस बीच में माइनस है, तो ये माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ, ये किसका होता है, ये a माइनस बी का, अगर आप इसे ओपन करोगे a माइनस बी स्क्वायर को, भी निकल के आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसकी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यही है। तो आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सा आइडेंटिटी को यूज़ किया है। तो a हमारा क्या है, 2y, दरअसल 4 जो है 2 का स्क्वायर है, इसलिए 2y का स्क्वायर लगाओगे तो 4y² मिलेगा, इसलिए हमारा ए स्क्वायर क्या है, 2y का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 into a हमारा क्या है, 2y, और b क्या है, 1, प्लस होता है आपका बी स्क्वायर, ये आपका 2 है, आपका 2y क्या है, आपका 2 है y, 2y a है, आपका 1 है b, आपका 1 क्या है, ये b है, मैंने वहाँ माइनस लिख दिया है, दरअसल वो प्लस होगा, प्लस 1 का स्क्वायर होगा, मैंने गलती से 1 लिख दिया है, वहाँ पे प्लस होगा, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में लिखना है 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको ये दरअसल 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका, यही आपका आंसर है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जो मैंने आपको सिर्फ बताया कि a क्या है, b क्या है, 2ab क्या है, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको लिखना नहीं है। चलिए अब थर्ड कर लेते हैं, लिखा हुआ x² माइनस y का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी लिख सकते हैं, ये हमने आइडेंटिटीज में यूज़ किए थर्ड वाले पार्ट में। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस y अपॉन 10, वो 110 का स्क्वायर है ना, वो 100 है ना, वहाँ 10 का स्क्वायर है, इसको कंप्लीट आप इस तरह लिख सकते हो, x² माइनस y बाई 10 का स्क्वायर। तो ये आपका x² क्या है, x क्या है, a है, और पूरा y बाई 10 क्या है, b है, ठीक। तो ये x² हुआ माइनस y बाई 10, ये आपका कंप्लीट बी स्क्वायर है। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में। तो a की जगह क्या है, x, प्लस b की जगह है y बाई 10,
ये आंसर आएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस बी की जगह y बाई टेन। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई टेन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई बाई टेन एक्स माइनस वाई बाई टेन। ये मैंने एरो से आपको बताया है कि ए प्लस बी को आप इस तरह लिखोगे एक्स प्लस वाई बाई टेन, और ए माइनस बी को आप लिखोगे एक्स माइनस वाई बाई टेन। इसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक, अब हम एक्सरसाइज 2.5 का फोर पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।